हित की बात की जा रही है। तो किसान तो पिछले काफ़ी समय से पिछड़ा जा रहा है अपने, चाहे वो रेट को लेकर हो, चाहे अपनी फसल को लेकर हो, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हर बार जब सरकार बदलती है तो यही कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। सबसे पहले मेरे पत्रकार भाई बंधु को मेरा नमस्कार। ये आप कह रहे हैं मेरे पत्रकार भाई बंधु, ये बात आप कह रहे हो कि पिछली दफा से किसान दिवस है, तो मुझे लगता है ये सच्चाई की बात नज़र आ रही है। मैं रवि शास्त्री, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर स्टेट का मेंबर और 4 जिला का अध्यक्ष, जिसमें कठुआ भी मेरे अंदर आता है, लेकिन सबसे पहले आज कठुआ आम आदमी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री हीरा लाल वर्मा जी के नेतृत्व में आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी लिख लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को जगाना चाहते हैं कि पिछले दिनों ये सेंट्रल सरकार के अंदर बिल पास किया था, मुझे लगता है कि ये बिल पूरा किसान विरोधी के हक में है। क्यों है? क्योंकि किसान के ऊपर अब ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टर बिठाना शुरू कर दिया। मर जाता है हमारा किसान, मेहनत करता है, हैं, मेहनत करके उसने इस किसान को देश में अपना स्थापित किया है, देश को बिल्कुल मजबूत बनाने में, आज वही किसान को कुचला जा रहा है। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरे समर्थन के साथ अपने किसान के साथ खड़ी है, जब तक उस बिल में, क्योंकि उस बिल में क्या हमें लग रहा है, न्यूनतम राई प्राइस जो है वो खत्म कर दिया है। एमएसपी की बात करें, ये क्यों किया है? मर जाएगा हमारा किसान, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने किसान के लिए पूरे देश में, पूरे जम्मू कश्मीर के राज्य में आज उसके साथ खड़ी है। जब तक वो अपने इस बिल में सुधार नहीं लाती सरकार, आम आदमी पार्टी सड़कों पे भी उतरेगी उनके हक के लिए, और उनके हक जब तक नहीं मिलती हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। किसानों के बिल के लिए इन्होंने, सरकार ने जो बिल, गलत बिल पास किया है, हम किसानों के उसके विरोध में आम आदमी पार्टी आज कालीबड़ी से लेके अपना डीसी ऑफिस कठुआ तक हम जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो किसानों का बिल, जब तक जी सरकार अपना बिल वापस नहीं लेगी तब तक आम आदमी पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर, 370 से लेकर लखनपुर टोल प्लाजा का मुद्दा भी है, उनको लेकर क्या कहेगी आम आदमी पार्टी? देखो, आम आदमी पार्टी आम बंदे, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, और जो आपका जो भी समस्या इन पार्टी ने, अपनी रूलिंग पार्टी ने जो जनता के साथ धोखा कर रही है, और जनता अभी सहमी हुई है, और आम आदमी पार्टी अभी जनता को जागृत कर रही है, धीरे धीरे आगे जो भी मसले होंगे हम हल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? 100% शोर छाट 101% अगला इलेक्शन जो आम आदमी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है।